नाम मेरा एग्जाम वॉरियर्स, मैं दीपा और मैं अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सलेंस के इस ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि बच्चों हम अपने चैप्टर कहाँ पे थे, अध्याय 13 में थे, परावर्तन और अपवर्तन गोली सतह से। ठीक है, समतल सतह देख सके, गोली सतह चालू कर दिए थे जिसमें हमने दर्पण खत्म कर दिया था। ठीक है, दर्पण की पूरी चीजें आप समझ गए हैं, परावर्तन कैसे होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब एकदम एक जस्ट ट्विस्ट आने वाला है, जो आपने अवतल और उत्तल पढ़ा अब उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो अवतल का पढ़ा था वो उत्तल का हो जाएगा, जो उत्तल का पढ़ा था वो अवतल का हो जाएगा। दोनों ने भाई ने क्या किया, एक्सचेंज का ऑफर कर लिया, इसकी इसके माथा उसके सर, उसके उसका कपड़ा उसके घर, वही वाला चला। ठीक है, मतलब देखो क्या होगा, अब आप समझोगे जो चीजें आपने इतने दिन में दर्पण में पढ़ी थी उसकी जस्ट उल्टी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, लेंसों में। ठीक है, तो भाई आप एक दो पहला दूसरा वीडियो पूरा देखोगे तब जाके क्या आपका लेंस समझ आएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको पूरा दर्पण समझ आ गया होगा, इसलिए अब मैं क्या स्टार्ट कर रही हूँ अपने थर्ड लेक्चर में, क्या स्टार्ट कर रही हूँ, लेंस। ठीक है, चलो हमारा चैप्टर क्या है भैया, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन गोली सतह से। ठीक है, जिसमें अभी तक हमने क्या किया था, दर्पण से देख लेते, अब क्या करेंगे हम लोग, लेंस से देखेंगे। ठीक है, तो ये देखो लेंस दिख रहा है मस्त, हमारे कैमरे में भी लेंस होता है, हमारे आँख चश्मा लगाते उसमें भी लेंस होता है ना। तो लेंस बहुत टाइप के होते हैं, तो लेंसों का प्रयोग क्या क्यों करते हैं भाई, किसी चीज़ को बड़ी या छोटी करके देखने के लिए, है ना। अच्छी फिल्म जैसे मस्त वाले कैमरा से खींचते हो ना आजकल, क्या मेगा पिक्सल मतलब कैमरा लेते हो तो अच्छे अच्छे कैमरा लेते हो ना, तो उसमें भी तो लेंस भी होते हैं, लेंसों का ही तो मेगा पिक्सल बताता है कि ये कितने लेंस का है क्या है। तो ये लेंस ही है जो किसी चीज़ को बड़ा या छोटा करके दिखाती हैं। ठीक है, दर्पण में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेकिन लेंस से क्या है, हम वो चीज़ें वैसे ही देख पाते हैं कि वो कितनी स्पष्टता से है। कोई चीज़ें दूर की चीज़ें हैं तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पास की चीज़ें हैं तो उसके लिए कौन सी लेंस यूज़ करेंगे, तो ये सब कहाँ, लेंस पे पड़ते हैं। ठीक है, दर्पण में क्या होता था, एक पारदर्शी माध्यम होता था जिसको हम क्या करते थे, पॉलिश कर देते थे, लेकिन यहाँ पर लेंस क्या है, ये दो माध्यमों दो सतहों से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो चलो लेंस को देख लेते हैं भाई। अपवर्तन तो पहले हम अपवर्तन को याद कर ले, ये किरण आई, ये अभिलंब, ये क्या होती है आई, ये क्या होती है आपतित किरण, ये हो हमारी अपवर्तित किरण। ठीक, तो ये क्या है, जब सघन अविरल से सघन में आती तो क्या होती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में जाती है तो क्या है, अभिलंब से दूर होती है, ये होता है अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन का पहला नियम क्या था भाई, आपतन कौन, आपतन को आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों क्या है एक ही सतह पर होंगे। ठीक, और दूसरा क्या था, आपतन कोण की ज्या और परावर्तन अपवर्तन कोण की ज्या का मान क्या होगा, सब हमेशा स्थिरांक रहेगा, मतलब साइन आई अपॉन साइन आर हमेशा क्या होगा, स्थिर होगा। ठीक है, साइन आई बोले तो यहाँ पे, साइन आर बोले तो यहाँ पे। ठीक, ये होता था। चलो अब आते हैं लेंस, तो लेंस के संबंधित प्रश्न देख लो कि कितने टाइप के प्रश्न बनते हैं पूरे चैप्टर में। तो क्या है भाई, लेंसों के उपयोग लिखिए, लेंस की क्षमता इसकी इकाई लिखिए, लेंसों की अभिसारी और अपसारी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग बताइए, वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब, मतलब लेंस पढ़ना है, लेंस के प्रकार पढ़ने हैं, लेंसों में प्रतिबिंब की रचना, लेंस की क्षमता, लेंस का सूत्र, ये सब जो पूरा दर्पण ने पढ़ा वही चीज़ अब यहाँ पे हमको किसमें पढ़ना है, दर्पण और लेंस में। एक चीज़ में ट्विस्ट आएगा, जो वहाँ अवतल लेंस क्या था, अभिसारी, अब अवतल दर्पण क्या था, वहाँ पे कन्वर्जिंग था, यहाँ पे अवतल लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग। तो ये चीज़ें जब बनाते जाओगे समझ आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस ये हैं कि ये पूरे जितने भी लेंस के क्वेश्चंस होंगे आप एक जगह लिख के रख लो, लाइन से उसके आंसर्स मिलते जाएंगे। ठीक, चलो लेंस, पहले लेंस क्या है पूछेंगे, तो भाई आपको लेंस की परिभाषा आ गई दो नंबर में, तो क्या बोलना है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है जिनमें से कम वक्री होता है। क्या है, पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है जिसमें एक ना एक कोई क्या वक्र है, मतलब गोले के आकार का होना जरूरी है। ठीक है, इस प्रकार के लेंसों में प्रकाश की किरणें या तो एक बिंदु पर एकत्रित होती है, एकत्रित होंगी तो कन्वर्जिंग, अगर फैलेंगी तो क्या होती है, डाइवर्जिंग। ठीक है, वहां याद करो कन्वर्जिंग कौन सा था, ठीक है याद है, वहां कन्वर्जिंग कौन था, किरणों को एक जगह एकत्रित कौन करता था, अवतल दर्पण, और डाइवर्जिंग कौन करता था, अभी अपसारित कौन करता था, उत्तल, लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा, कन्वर्जिंग कौन करेगा, उत्तल, और फैलाएगा कौन, अवतल। ठीक है, तो पहले दर्पण को याद कर लो भाई, तब इसमें आएंगे। ठीक है, तो दर्पण अच्छे से हो जाएगा फिर लेंस में आएंगे। ठीक है, चलो अब देखो ये क्या है,
ये हमारा उत्तल लेंस है, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, अवतल लेंस। अब बनते कैसे हैं भाई अवतल और उत्तल, चलो देख लेते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दोनों गोलीय पृष्ठ हो, या ये उत्तल या केवल उत्तल लेंस कहलाता है, जैसे दोनों उभरे हो, ठीक है, बीच से बाहर उभरे हो, ऐसे और ऐसे, तो ये क्या हो गया, उत्तल। वही द्वि अवतल लेंस अंदर की ओर वक्रित हो, ठीक है, मतलब ऐसे, ये क्या होगा, अवतल। ये हमारा क्या हो गया, उत्तल लेंस, ये क्या हो गया हमारा, अवतल लेंस, ठीक है। चलो अब मैं बनाना बता देती हूँ भाई कैसे होगा, ठीक है। ते क्या है, लेंसों द्वारा अपवर्तन, ठीक है। लेंस पहले लेंस बनाएंगे कैसे भाई, देखो ये दो क्या हो गए, गोले हो गए, ठीक है। तो गोले के इतने भाग को आप काट दो, ठीक, तो ये क्या बन रहा है, एक गोले का भाग ये हो गया, एक गोले का भाग ये हो गया, तो ये क्या बन गया हमारा भाई, उत्तल लेंस। अब याद करो हम जब दर्पण पढ़ रहे थे, है ना, तो हमने यहाँ पे ये गोले का भाग था, ये था, तो इसकी क्या थी, केंद्र था, ये इसका फोकल था, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका जो ये पार्ट है, इसका केंद्र इस साइड है, और इसका जो ये पार्ट है उसका केंद्र इस साइड है, मतलब अगर मैं इसको देखूं, ठीक, इस वाले पोर्शन का केंद्र इस साइड होगा, इस वाले पोर्शन का केंद्र इस साइड होगा, मतलब उत्तल लेंस में इधर का केंद्र इधर, इधर का केंद्र इधर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या, दो वक्रता केंद्र होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे, मतलब दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, तो फोकस भी क्या होगा भाई, एक फोकस इधर होगा, एक फोकस इधर होगा, ठीक है। तो अब हम जब लेंसों को देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे सी ना लिख के क्या होता है, आर क्या होता है, एफ होता है, डबल ऑफ एफ फोकस का डबल होता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम इसको, एफ वन एफ टू, तो सी की जगह क्या लिखेंगे, टू एफ टू टू एफ वन, ठीक है। तो जहां भी आपको टू एफ वन दिखे या एफ टू दिखे, समझ लेना वो वक्रता केंद्र को बता रहा है, ठीक है। चलो फिर से समझ लेते हो इसको, इस वाले का इधर केंद्र होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिखूं मैं, टू एफ टू, इसका फोकस इधर होगा, इस वाले का फोकस एफ वन, और ये क्या है, टू एफ टू। अब इसका जो मिड बिंदु होता है ये होती है ओ, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, या केंद्र बोलते हैं, ठीक है। सेम चीज उत्तल में देख लो भाई, सॉरी अवतल में, अब इसका ये वाले का ये इधर ही रहेगा, इसका फोकस इधर ही रहेगा, तो इसका 2f1 इधर ही रहेगा, इसका फोकस ये, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में फोकस इस वाले क्षेत्र का इस साइड, इसका इस साइड, यहां अवतल में इसका इस साइड, इसका इस साइड। तो याद रखना यहां पे हम F और C नहीं, F1 और 2F1 या F2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2F1 बोल रहे हैं मतलब समझ जाना हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वक्रता केंद्र की बात कर रहे हैं। F1 मतलब बात कर रहे हैं मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, फोकस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज जैसे हम दर्पण में कर रहे थे सेम चीज है, बस यहाँ पे क्या है, दो तल है, दो वक्री तल है, इसलिए हमें दो फोकस और दो क्या है, वक्रता केंद्र मिल रहे हैं, ठीक। चलो अब प्रतिबिंब की रचना देख लेते हैं, ठीक है। प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाशी किरण की दिशा क्या होगी, प्रकाशी केंद्र ये क्या है, प्रकाशी केंद्र। तो यदि याद करो दर्पण में क्या होता था, ये था हमारा, ठीक है, केंद्र से आती थी, केंद्र पे निकल जाती थी, तो यही यहां पे क्या होगी, केंद्र से कोई किरण आएगी वैसी वो क्या होगी, वापस लौट जाएगी। सेम चीज अवतल में भी होगा, केंद्र से आएगी, केंद्र से लौट जाएगी, ये क्या है हमारा, केंद्र है, ठीक है। पहला क्या होगा, केंद्र से आएगी वैसी वापस लौट जाएगी, वहां पे क्या था, तीसरा सेंटर से आती तो सेंटर से लौट जाती, तो सेम चीज है, केंद्र से आएगी तो केंद्र से वापस लौट जाएगी, ठीक है। अगला देखो, अक्ष के समांतर आती है, वहां पे क्या होता था, ये अक्ष था,
समांतर आती थी टकरा के किससे होकर जाती थी भाई, फोकस से। यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी भाई, यहाँ पे क्यों बदलेंगे हम, ठीक। समांतर आई, इधर वाले का फोकस किधर है, इधर, तो ये क्या होगी, इधर जाएगी। पैरेलल आई, इधर जाएगी। पैरेलल आई, इससे होकर जाएगी। पैरेलल आई, इससे होकर जाएगी। तो ये कहां से जा रही है भाई, F2 से, ठीक है। सेम चीज क्या होगी अवतल में, लेकिन याद करना यहां पे क्या है, इसका ये किरण यहां से वापस नहीं जाएगी, टकराकर निकलती है ना, तो ये यहां आएगी, टकराएगी, लेकिन क्या है इस, ये इसका इधर है ना, तो ये क्या है, इधर पे आएगी। पैरेलल आई, टकराई, इधर जाएगी, लेकिन इसके फोकस क्या है, इधर है, ठीक है। तो ये अभी क्या कर रही है, यहां पे देखो ये किरणों को क्या कर रही है, एक जगह ला रही है। ये क्या कर रही है, अभिसारी कर रही है, कन्वर्जिंग कर रही है। ये क्या कर रही है, किरणों को फैला रही है, मतलब ये क्या है, अपसारी। वहां जस्ट क्या था, उल्टा था। अवतल दर्पण क्या करता था, किरणों को एक जगह एकत्रित करता था और उत्तल फैलाता था। जस्ट यहाँ पे उल्टा क्या हो गया, उत्तल क्या कर रहा है, किरणों को एक जगह एकत्रित कर रहा है, वही उत्तल अवतल दर्पण क्या कर रहा है, किरणों को फैला रहा है, ठीक। अब कंडीशन क्या था, अक्ष के समांतर आएगी तो क्या होगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक। तीसरा क्या है, फोकस से आएगी, फोकस से होकर आई तो परावर्तन के बाद सीधा निकल जाएगी, ठीक। परावर्तन हुआ, सीधा निकल गई, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगी, परावर्तन फोकस से होकर आए, अगर कोई किरण फोकस से होकर आ रही है, पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। पैरेलल आएगी तो क्या है, फोकस से जाएगी, ठीक है, वही कंडीशंस है। बस चौथा वाला कंडीशन क्या था भाई, पी पर आएगी, तो ये कंडीशन बस नहीं है, बाकी तीन कंडीशन सेम है। कैसे सेम है भाई, वहां पे क्या था, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। दूसरा क्या था, फोकस से आएगी, पैरेलल जाएगी। तीसरा, सेंटर से आएगी, सेंटर से निकल जाएगी, ठीक। अवतल में, सॉरी उत्तल में क्या होगा भाई, जैसे सेंटर से आई थी वैसी निकल जाएगी, ठीक है, मतलब सॉरी वापस नहीं जाएगी, आगे निकल जाएगी। दूसरा, पैरेलल आएगी, फोकस से निकल जाएगी। तीसरा, फोकस से आएगी, पैरेलल निकल जाएगी। अवतल में देख लो भाई, सेंटर से आएगी, सीधा निकल जाएगी। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। फोकस से आएगी, पैरेलल निकल जाएगी, ठीक। तो वही चीज है, वही चीजों को यूज करके क्या है, अब हमें प्रतिबिंब की रचना करनी है, ठीक है। तो यही चीज है, सेंटर से आएगी, सेंटर से सीधा निकल जाएगी। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलल निकल जाएगी। इतनी चीजें याद रखो, दर्पण भी वही था, यहाँ पे भी वही है, प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। चलो उत्तल लेंस में आ जाते हैं, जब वस्तु अनंत पे है तो पैरेलल बना लो भाई। याद है ना, 2F बराबर क्या है हमारा, C है ना, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है मतलब भैया पैरेलल आ रही होगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, तो कहां पे बनेगा, F2
2 पर कैसा बनेगा बिंदु। चलो अब आते हैं हम लोग क्या है 2F1 के पीछे हो भैया, ये हमारा क्या हो गया उत्तल हो गया, ठीक है ये F1 2F1 मतलब इसके इधर है, ठीक है। तो भाई पहले तो क्या पैरेलल आती है तो क्या होगी फोकस से निकल जाएगी, ठीक। अब क्या है सेंटर से आएगी तो सेंटर से निकलेगी, सेंटर से गई सीधा सेंटर निकल गई तो यहाँ पे कटान बिंदु मिला, मतलब क्या है इससे कैसा बन रहा है भाई उल्टा बन रहा है और किसे F2 और 2F2 के बीच बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे F2 व 2F2 के बीच बना, ठीक। और साइज में छोटा होगा, आपको यहाँ पे थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई इसलिए बड़ा दिख रहा है, तो आपको क्या करना है छोटा बनाना है, ठीक। अब देखो जब 2F पर हो वहां पे था C पर होता था, अब वहीं पे क्या हो गया हमारा 2F, अब क्या गया F2 पर है, सॉरी F1 पर है, ठीक है। तो क्या होगा पैरेलल आएगी फोकस से होकर चले गई। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा भाई, ये आती है ऐसे और ऐसे निकलती है, तो ये एग्जिट कहाँ पे बन रही है भाई 2F2 पर, 2F1 पे वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 2F2 पर, ठीक है। कैसा बन रहा है समान आकार का, ठीक। चलो 2F1 और F1 के बीच आ जाओ, इन दोनों के बीच रखो, पैरेलल जाएगी फोकस से होकर जाएगी, सेंटर से सीधा निकल गई। अब आगे बढ़ाओ कहाँ पे बन रही है 2F1 और F1 के बीच में, तो कहाँ 2F2 के पार, और कैसा बन रहा है भाई वस्तु से बड़ा, और अभी भी आभासी और वास्तविक वाला वही रूल है, उधर बन रहा है मतलब क्या है आभासी है, इधर बनेगा मतलब क्या है वास्तविक है, ठीक है। चलो F1 पर हो तो यहां पे पैरेलल जाएगी F से निकल जाएगी, इधर गई इधर निकल गई, तो कहां पे बन रहा है भाई यहाँ पे क्या बनेगी भाई अनंत पे, और कैसे बनेगा बड़ा बनेगा, ठीक। अब लास्ट कंडीशन, ये हमारा वो इसके बीच आ गया, ठीक। छोटा बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक। पैरेलल जाएगी किससे होकर जाएगी भाई फोकस से निकलेगी, दूसरा सेंटर से जाएगी सेंटर से आगे निकल गई, तो ये आगे जाके नहीं मिल रही है बल्कि कहाँ इधर मिलेगी कहीं पे, तो कैसा बन रहा है ये अब ये कैसा बनेगा वस्तु से बड़ा और इधर बन रहा है, तो ये जस्ट वाला अपोजिट वाला याद कर लो, पहले क्या था उधर होता था अब ये क्या इधर बन गया, ठीक है। तो कैसा बना वस्तु से बड़ा, और कैसा बना भाई जिधर से रेखा जा रही उधर ही बन रही है, मतलब कैसा है ये वास्तविक है, ठीक है। तो ये केस में हमने उत्तल लेंस से देखा, अब चलो अवतल में आते हैं। अवतल में जैसे उस टाइम उत्तल दर्पण में दो ही कंडीशन थे, तो यहाँ पे अवतल लेंस में क्या है दो ही कंडीशन होंगे, पहला है जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु अनंत पे है मतलब पैरेलल आएंगी, फोकस इसका इधर है, ये वाले का फोकस इधर है तो इधर से टकरा के जाएंगी, है ना, तो क्या होगा सीधा निकली, पैरेलल आई
टकरा के क्या है फोकस से जाएगी, लेकिन ये इधर निकलेगी। तो क्या हो रहा है भाई, किस पे बन रहा है? फोकस पर, एफ वन पर ही बन रहा है ना, लेकिन बिंदु आकार का। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अपने एफ वन और जीरो के बीच। यहाँ पे है ठीक, पैरेलल जाएगी किससे होकर जाएगी भाई, फोकस से ऐसे निकल गई, दूसरा सेंटर से जाएगी सीधा निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों रेखाएं इधर तो नहीं मिल रही, तो इसकी किधर मिलेंगी भाई, ये यहाँ पे मिल रही है। ठीक, तो ये भी कैसा बना, वस्तु से छोटा। और जिधर से रेखा आ रही है उधरी बन रही है, मतलब कैसा बना भाई, वास्तविक। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके किसमें, अवतल लेंस में क्या हुआ, प्रतिबिंब की रचना हो गई। ठीक, तो आपको जैसे हमने दर्पण पे पढ़ा था प्रतिबिंब की रचना, वैसी क्या है आपने लेंस पे पढ़ लिया। ठीक है, तो इतना ही हो सकता है आपको लेंस की रचना में, पूरा पदों पूछ रहे अवतल लेंस में रचना, प्रतिबिंब की रचना बताइए या अवतल में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से पूरे डायग्राम को बनाना है, प्रैक्टिस करो, 2 से 3 मिनट प्रैक्टिस करोगे, बस नियमों को याद रखना है कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल चल जाएगी, केंद्र से आती है तो सीधा निकल जाती है, चाहे वो दर्पण में हो या लेंस में हो। ठीक, इतना याद रखोगे ये पूरा चैप्टर क्या इमेजेस बन जाएंगे। ठीक, चलो गोली दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटियां, जैसे हमने क्या देखा था अपने उसके लिए, दर्पण के लिए क्या होता था भाई, इधर से अगर हम इस केंद्र से उल्टा जाते थे तो निगेटिव, केंद्र से आगे जाते थे तो पॉजिटिव, अगर मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो निगेटिव। ठीक है, सेम चीज दर्पण के लिए भी होगा भाई, किरण के आने की दिशा में है, किरण इधर से आती है तो हम अगर इस केंद्र से इस साइड, चलो फिर से देख लेते हैं, ये हमारा क्या है उत्तल हो गया। ठीक है, ये इसका क्या है O है, F1 2F1, F2, 2F2, ठीक। तो भाई देखो, अगर किरण की दिशा में आ रही है ना, तो मतलब क्या होगा पॉजिटिव, किरण के विपरीत दिशा में आई नेगेटिव, इस मुख्य अक्ष के ऊपर है पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है, तो यही चीज थी हम दर्पण में जो लेते थे उसको आपको यहीं पे लेना है। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए फोकल बोले जाए तो इसका इस साइड है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, वही अवतल में क्या इसका इस तरह रहता है तो यहाँ पे भी इसके क्या होगा नेगेटिव। इसमें एक ही चीज याद रखना, अवतल का फोकस नेगेटिव होगा, उत्तल का फोकस पॉजिटिव होगा, ये चीजें याद करोगे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक, चलो आगे आते हैं लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र हमने वहां पे दर्पण सूत्र क्या पढ़ा था, 1/F = 1/V + 1/U, लेंस सूत्र क्या हो जाता है सेम, 1/F = 1/V - 1/U, बस आपको एक चीज याद करना है, वहां पे प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, एफ क्या होता है फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये हो गई वस्तु की दूरी। ठीक, सेम चीजें हैं, आ जाओ आवर्धन पे, वहां पे क्या होता था m = height of image upon height of object, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या -V/U, यहां पे भी वही होता है आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, मतलब H1/H या V/U,
वहां m इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस v अपॉन u, ठीक है। तो भाई चलो, तो चलो एक बार हम कंपैरिजन कर लेते हैं। दर्पण में दर्पण सूत्र क्या था भाई, 1 अपॉन f, 1 अपॉन v, 1 अपॉन u, ठीक। आवर्धन क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस v अपॉन u, ठीक। अब लेंथ सूत्र में आ जाओ, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ठीक। या यहाँ पे भी क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या v अपॉन u। तो याद रखना, यहाँ पे ये माइनस होता था, यहाँ पे ये प्लस है, और यहाँ पे ये प्लस होता था, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। दर्पण में ये वाला दर्पण सूत्र प्लस में था, आवर्धन माइनस में था। लेंस में दर्पण, लेंस सूत्र माइनस में है, आवर्धन प्लस में। तो इन्हीं दोनों से क्या है आपको क्वेश्चन बनाने, क्वेश्चन आएगा दर्पण और लेंस, बस एक लाइन में लिखा होगा उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण, बाकी पूरी चीजें सेम होगी, वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई, फोकस, लेंस, सब आपको बस एक लाइन में पढ़ना है, वो लेंस है या दर्पण है, वो दोनों चीजें बस पढ़ लोगे, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता मतलब कभी कभी होते हैं ना कि हमें दूर की वस्तुएं देखने के लिए चश्मा लगता है, या कभी पास की वस्तुएं, तो वही क्या होती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बोल जाए कि वो किरणों को पास लाती है, एकत्रित करती है या फैलाती है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता। अगर परिभाषा देखो तो क्या है भाई, लेंस की शक्ति उस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को अभिसरण अथवा अपसारण की डिग्री का माप है। इसको क्या कहते हैं लेंस की क्षमता, एक बटे लेंस की फोकल लेंथ, मतलब पी लेंस की क्षमता 1 अपॉन f। तो कितनी भी फोकल लेंथ होगी, जैसे सपोज अगर 10 मीटर किसी की फोकल लेंथ है, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 एक बट्टे 10, मतलब 0.01, ठीक है, डायोप्टर, ठीक। तो इसकी इकाई क्या होती है लेंस की क्षमता की, डायोप्टर, ठीक है। हमें वो क्या बोलते हैं, हमारे आंखों को बोलते हैं ना कि आपको प्लस का लग रहा है, माइनस का लग रहा है, तो वही क्या वो लेंस की क्षमता, कि आपकी आंखों के पास का दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, दूर के देखने के लिए कौन से लेंस यूज करते हैं, पास के देखने के लिए कौन से लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए क्या ये लेंस की क्षमता बताती है, ठीक है, कि आपको पास के देखने, पास का देखना है तो कौन सा लेंस यूज करोगे, दूर का देखना है तो कौन सा लेंस यूज करोगे, ठीक है, ठीक। तो पी इज इक्वल टू क्या बोला हमने, 1 अपॉन f, ठीक है। अगर दे दिया जाए कि किसी लेंस के फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका पावर कितना होगा, तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन f, और इसको क्या है 20 सेंटीमीटर, इसको किसमें बदलना होगा हमें, मीटर में, ठीक है। तो क्या होगा 5 डायोप्टर, इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो गया, इसकी क्षमता हो गई, ठीक है। तो अब इसका यूनिट क्या होता है भाई, डायोप्टर होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। लेंसों का उपयोग, लेंसों का उपयोग क्या है भाई, हम फोटोग्राफी में, प्रोजेक्टर में, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, इस सब में क्या करते हैं, हम लेंसों का उपयोग करते हैं। इवन हमारे आंखों में भी क्या है, एक लेंस होता है, जनरली क्या उत्तल लेंस होता है, ठीक है, जो क्या करता है किरणों को एक जगह एकत्रित करता है, जिससे क्या हमारे आंखों में क्या है, फिर वो उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो यही लेंसों के प्रयोग हो गए। आप क्या लिख सकते हैं, चश्मा बनाने में, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में क्या है बड़ी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने में, दूरदर्शी में दूर की चीजों को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्टर लगाते हैं, तो फिल्म को क्या बड़ा करके देखने में, ये सब में क्या है लेंसों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो बच्चों पूरा चैप्टर हमारा हो गया है, बस ये क्या है हमारे क्या पूरा क्वेश्चंस कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटन वाले, इसके बाद क्या है आंकिक प्रश्नों को हम क्या है अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी एक टॉपिक और क्या बच गया हमारा, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, यहाँ पे क्या थी किरणें आती थी, किरणें आती थी फोकस से पहले जाती थी, पैरेलल आती थी फोकस से जाती थी, ठीक है। ये क्या था हमारा उत्तल, ले लो भाई इसका फोकस इधर होता था, तो किरणें आती थी, जाती प्रतीत होती थी, बाहर निकल जाती थी, पहले आती थी, जाती प्रतीत होती थी, इधर निकलती थी, तो ये क्या थी यहाँ पे अवतल अभिसारी था, और उत्तल अपसारी था। लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा, यहाँ पे उत्तल लेंस हो क्या होगा पैरेलल आती है फोकस, तो ये क्या हो जाएगा अभिसारी। अब अवतल को देख लेते हैं भाई,
ये ऐसे आई, फोकस इधर है लेकिन ये इधर निकल गई, ये ऐसे आई, फोकस इधर है, इधर निकल गई, तो ये क्या हो गई भाई, अब अपसारी। ठीक, तो क्या है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, लेकिन उत्तल लेंस अभिसारी होता है और अवतल लेंस अपसारी होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। अगर आपको पूरे चैप्टर में दर्पण अच्छे से कर लिए ना, तो लेंस उसके अपोजिट में अपने आप बना लोगे। तो लेंस दर्पण को बहुत अच्छे से कर लो, उसके जस्ट एक बैठना कि अच्छा लेंस दर्पण का उल्टा क्या होगा, ये होगा तो ये लेंस का होगा, क्लियर, कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो दर्पण कर लिया, लेंस कर लिया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, इन दोनों चैप्टर से पूरे अध्याय 10 और 13 का क्या करेंगे, हम आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक इतनी चीजें समझ आ गई होगी, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लेना, और इस लेंस और दर्पण को बहुत अच्छे से करो, तभी इसके प्रश्न होंगे। एक छोटा सा लाइन में क्या लेंस और दर्पण का अंतर दिया जाता है, और आप लोग क्या है बिना पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हो, फिर पता चलता है अच्छा माइनस लगाना था प्लस, गलती नहीं करनी है। आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो और प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, तो चलो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके पूरे क्या है पूरे आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तब तक अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।